चलेगा। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत सरकार मोटापा, मोटापा संघर्ष हमारा नारा है। हजार जलन के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। निजीकरण बंद करो। इस प्रकार से भारत सरकार एक धरोहर, इस देश को जोड़ने वाली भारतीय रेल का निजीकरण, निगमीकरण की ओर बढ़ने का काम कर रही है। 100 डेज एक्शन प्लान के तहत ये जो सरकार है, इसने हमारे विभिन्न प्रोडक्शन यूनिटों का निगमीकरण करने का जो मन बनाने का काम किया है, हमारी कुछ प्रमुख गाड़ियों को निजी ऑपरेटर्स के माध्यम से चलाने की जो योजना इन्होंने बनाई है उसके खिलाफ, और जितनी भी मजदूर विरोधी नीतियां इस देश में चल रही हैं, और विशेष रूप से रेल कर्मचारी जो दिन रात 24 घंटे अपनी मेहनत करके इस भारतीय रेल को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसमें विकास करने का काम कर रहा है, उसे लाभ में चलाने का काम कर रहा है, उसके बावजूद भी 7वें वेतन आयोग की तमाम विसंगतियों को दूर नहीं किया जा रहा है, पदोन्नति के अवसर नहीं खोले जा रहे हैं, रेलवे आवासों की जो दुर्दशा हो रही है उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा है, और जिस तरीके से दीपावली से पहले रेल कर्मचारी एक अपेक्षा करता है कि बोनस की घोषणा हो, DA की शीघ्र घोषणा हो, लेकिन अभी तक ये सरकार का ध्यान इन तमाम चीजों पर नहीं जा रहा है। इसलिए एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने ये निर्णय लेने का काम किया कि पूरी भारतीय रेलवे, भारतीय रेल के सभी 18 जोन के अंदर सभी मंडलों पर, कारखानों पर, सभी शाखाओं के ऊपर वार्निंग वीक मनाने का काम किया जाए, और उसी के तहत 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक वार्निंग वीक मनाया जा रहा है, और इस देश की सरकार को चेतावनी दी जा रही है, अंतिम चेतावनी के रूप में यह सप्ताह मनाया जा रहा है, और रेल कर्मचारी, एक एक रेल कर्मचारी इस देश की सरकार को चेताना चाहता है कि संभल जाए, समय रहते अपनी जो भी नीतियां हैं उन नीतियों को बदलने का काम कर दे। निजी ऑपरेटर्स के हाथ में जो गाड़ियों चलाने का जो आपने फैसला लिया है, निजीकरण और निगमीकरण का जो फैसला लिया है, उसे वापस लेने का काम करे, वरना रेल का कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, और आवश्यकता पड़ी तो जिसकी कसम खाता है रेल को चलाने की, उसी रेल का चक्का जाम करने का भी काम करेगा। इसी वार्निंग के साथ इस सप्ताह को मनाने का काम किया जा रहा है, और उसी के चलते आज कैरिज कारखाना गेट के ऊपर ये विशाल प्रदर्शन आयोजित करके हम अपना गुस्सा प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहते हैं। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के द्वारा भारत सरकार को चेतावनी के रूप में ये पूरा सप्ताह बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं सभी रेलों के ऊपर, और जिसमें कि 100 दिन की उन्होंने जो घोषणा की है, 100 दिन के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है, इस देश की सारी प्रोडक्शन यूनिट जो लाभ के अंदर चल रही हैं उनको प्राइवेट हाथों में देने की जो घोषणा उन्होंने की है, उसकी जो स्टडी वो करा रहे हैं, उसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग चेतावनी के रूप में भारत सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा NPS की घोषणा जो कि उनको करनी चाहिए, हमारे साथ वादा करने के बाद में NPS को बंद नहीं करने की घोषणा भी नहीं की है। इसके अलावा लोगों के 7वें वेतन आयोग के अंदर जो विसंगतियां रह गई है उसको पूरी करने की बात थी, उसको भी आज तक पूरा नहीं करने का काम किया है। दिवाली का टाइम आ रहा है, अभी तक DA की घोषणा है उन्होंने नहीं करने का काम किया है। इन सब मांगों को लेकर के इसके साथ साथ हमारे कारखाने के अंदर जो ज्वलंत समस्या है, यूनिफॉर्म, जो सेफ्टी गारमेंट 2017 में पैसे देने का काम किया था गारमेंट की जगह, सेफ्टी गारमेंट की जगह उसकी कटौती, अनुचित कटौती करने का काम कर लिया है, जबकि कर्मचारियों ने वो गारमेंट्स पहन करके फाड़ भी देने का काम कर दिया है, जूते फट गए हैं, और अभी तक गारमेंट भी नहीं दी जा रही है, और ना उसका सिलाई का पैसा दिया जा रहा है, ना उसका पैसा दिया जा रहा है। हम अगर वो उन्होंने नहीं देने का काम किया, जल्दी से घोषणा नहीं की जनरल मैनेजर स्तर पर, क्योंकि ये बंद यहीं से किया है, कारखाने के कर्मचारियों को सेफ्टी गारमेंट मिलता है, सेफ्टी गारमेंट के नाम पर
इस बार इन्होंने ना तो कपड़ा देने का काम किया, ना उसकी सिलाई देने का काम किया है। और अगर जल्दी से उन्होंने घोषणा नहीं करने का काम किया तो आने वाले दिनों के अंदर हम चेतावनी के रूप में अर्धनग्न प्रदर्शन करने का काम करेंगे और हमारे कपड़े उतार करके इस कारखाने के अंदर हमारे काम संचालित करने का काम करेंगे। भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।